ಸಿಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ವೇಟ್ ವೇಟ್ ತಮ್ಮಂಜಿ ವೇಟ್ ತಮ್ಮನ ಈ ಸಾಮ್ನೆ सबसे पहले तो कल परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या तैयारी है, चल रही है, क्या नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रही है? इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए परफॉर्म नहीं किया. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज यू नो देयर इज अ सर्टेन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, बट आई थिंक एक स्टेडियम में परफॉर्म करना उसका पूरा फीलिंग ही कुछ और है. एंड जो ऑडियंस की पूरी एनर्जी होती है, आई थिंक दैट विल बी समथिंग रियली अमेजिंग एंड फॉर मी टू एक्सपीरियंस एज अ परफॉर्मर. एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज IPL से बेटर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर ऑल क्रेजी अबाउट क्रिकेट. एंड पहला ओपनिंग नाइट है, तो ओपनिंग नाइट में वी विल बी जस्ट वेटिंग टू वॉच द मैचेस. एंड एंड या आई मीन CSK इज परफॉर्मिंग आफ्टर 2 years, सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एंड एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु बिलोंग्स टू लाइक फॉर मी द मुंबई टीम, द हैदराबाद टीम, द चेन्नई टीम, देर ऑल माई टीम्स ओनली आई फील लाइक, बिकॉज आई बिलोंग टू लाइक ऑल दीज सिटीज. सो एंड इस बार मेरा परफॉर्मेंस जो होने वाला है वो चारों भाषाओं का के सॉन्ग से होने वाला है. अब कनाडा सॉन्ग आई हैव, अ तेलुगु सॉन्ग आई हैव, अ तमिल सॉन्ग एंड अ हिंदी सॉन्ग. सो या आई मीन आई गेस इट गोज आउट टू प्रीटी मच द होल ऑफ इंडिया. कौन सी फेवरेट टीम होती है आपकी जब IPL चालू होता है? तो अगर हम मेरी हालत यही होती है कि आई डोंट नो विच वन टू चूज फ्रॉम, बट ऑफकोर्स CSK हैज धोनी एंड ह्यूज फैन. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम प्ले. वेरी एक्साइटेड वेरी नर्वस, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्टेज अलग फीलिंग होता है लेकिन एक स्टेडियम का फीलिंग ही अलग होता है. एंड कल मुझे छोटी सी झलक मिली जब मैं रिहर्सल कर रही थी. सो या आई मीन वी आर रिहर्सिंग एज मच एज पॉसिबल टू गिव एन अमेजिंग स्मैशिंग परफॉर्मेंस. ओके, और किस तरह की परफॉर्मेंस होने वाली है, किस तरीके जैसे जिस तरीके का मतलब 4 तरीके की लैंग्वेज में गाने वाले हैं, क्या क्या तैयारी हो गई है और कितना और बाकी है? वेल रिहर्सल ऐसा एक चीज़ होता है कि आप जब तक करते रहो आप यू वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर, बिकॉज यू नो देर इज नो पॉइंट एट विच यू कैन फील लाइक यू डन इट ऑल एंड नाउ यू नो यू आर कम्फर्टेबल. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द अदर परफॉर्मर्स बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रितिक एंड ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग and Jacqueline is performing and Varun is performing. So I think all these performances I'm looking forward to seeing them as well. And yeah, I'm wishing them all the very best to you know have an amazing performance and amazing opening night. इसके अलावा कुछ फिल्में भी आ रही है आपकी, हमने इंस्टाग्राम पे देखा था आप एक्टिवा चलाकर जा रही हैं. जी मनी फिल्म क्या नाम है कुछ? सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ, सो माय नेक्स्ट फिल्म इज अ तमिल फिल्म कॉल्ड कन्नई कलेमाने, व्हिच इज व्हाट आई आई जस्ट फिनिश शूटिंग फॉर. And Na Nuve, which is a Telugu film, which is again something I just finished shooting for. And I'm also working on Queen, so the remake of it in Telugu. So yeah, these films are going on and they are my next releases. And yeah, I'm looking forward to people watching them. And actually, mera ek ho gaya ki main har film mein ek scooty chala rahi hun. So actually, this mein I think bahut memes bane hai ki main har film sign karne ke pehle woh to ek scooty ka
शॉर्ट रखना चाहिए. सो आई थिंक ऑल माई फिल्म्स फॉर सम रीजन आई एम राइडिंग अ स्कूटी इन इट. सो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली जो आपने फोटो देखा था वो स्कूटी चलाते हुए देखा होगा मेरा. होनी चाहिए. आई मीन अगर ये सारी तीनों फिल्में हिट हो गई तो फिर हर फिल्म में स्कूटी चलानी पड़ेगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. Thank you.